हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनीत रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन ग्रेवी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैं बनाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी पुरानी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं मंचूरियन ग्रेवी, वेज मंचूरियन ग्रेवी कैसे बनाई जाती है। वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये डेढ़ कटोरी जितना जो है पत्ता गोभी, जिसे मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। आप चाहे तो इसको घिस भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये बारीक काट के यूज़ किया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा बारीक कटा गाजर, और इसमें डालूंगी ये एक चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में थोड़ा सा थोड़ी हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, और इसको मिक्स कर लूंगी। अब इस पर डालूंगी ये हाफ टीस्पून जितना काली मिर्च पाउडर, उसके बाद नमक एक चम्मच, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी ये फूड कलर, रेड फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा जो है बिल्कुल आपका बाहर जैसा ही आपकी लुकिंग, मतलब देखने में जो है बाहर जैसा ही लगेगा, इसे कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये मैदा, तो यहाँ पे मैंने तीन चम्मच जितना मैदा लिया है, और तीन चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर भी लूंगी मैं। अब ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी एक बार। तो ये मैंने सब कुछ डाल के अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी, जिससे ये जो इसकी बाइंडिंग अच्छी हो, बॉल्स अच्छे बने इसके। तो यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी बिल्कुल रेडी है बॉल्स बनाने के लिए, जिसे मैंने बस ज्यादा से ज्यादा दो से तीन चम्मच जितना पानी डाला है, और उतने में ही मैंने इसको मिक्स किया है। अगर आपकी फिर भी बाइंडिंग नहीं होती है तो आप इसमें एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं। तो अब मैं इसके बॉल्स बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई को जो है गैस पे रख दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल, क्योंकि हमें मंचूरियन बॉल्स जो है अपने अभी फ्राई करने हैं, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया फ्राई करने के लिए। अब इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी। तो यहाँ पे जो तेल है वो मीडियम हॉट हो गया, और हमें इसको बिल्कुल ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब मैं अपने मंचूरियन बॉल्स बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाऊंगी अपने हाथ पे, बिल्कुल थोड़ा। इससे जो है मंचूरियन बॉल्स जो है आपके बिल्कुल जो है गोल गोल बनेंगे और अच्छे से बनेंगे। तो हल्का सा पानी लगाएं, और उसके बाद आपको छोटे बड़े जैसे बनाने हैं वैसे बना लीजिए। तो यहाँ मैं ये छोटा बॉल मैंने बना लिया है, और इसको मैं तेल में डाल दूंगी। तो ऐसे ही अपने बाकी के मंचूरियन बॉल्स रेडी करिए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको बॉल्स बनाने हैं, बिल्कुल हल्का सा ही पानी लगाना है आपको, ज्यादा नहीं। और ऐसे बना के आप बस इसको फिर तेल में डाल दें। तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से जो है हमारे बॉल्स फ्राई हो रहे हैं, और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। हाई फ्लेम पे करेंगे तो सिर्फ ऊपर से ये दिखेंगे कि ये हो गए, बट अंदर से कच्चे रहेंगे बिल्कुल। तो मीडियम फ्लेम पे इसको आराम से अच्छे से फ्राई होने दीजिए। तो ये हमारे बॉल्स जो अच्छी तरीके से फ्राई हो गए, देखिए आप बिल्कुल गोल्डन जो है इसमें गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसको जो है टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। तो ये बॉल्स मैंने सारे निकाल लिए हैं, और अब हम जो है अपनी जो है इसके लिए मंचूरियन की ग्रेवी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है एक्स्ट्रा ऑयल जो था उसको निकाल के अलग कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक डेढ़ चम्मच इतना ऑयल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये बारीक कटा लहसुन, क्या मैंने तीन से चार लहसुन लिए जिसे मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। लहसुन जब हल्का फ्राई हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ अदरक,
और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी, और इनको भी फ्राई कर लूंगी। और हमें ये कुकिंग जो है मीडियम हाई फ्लेम पे ही करनी है, लो पे नहीं करनी है, मीडियम हाई फ्लेम होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें अच्छे से फ्राई हो जाए, मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइज का, और इसको भी मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूंगी। इसे बिल्कुल हमें जो है गोल्डन ब्राउन नहीं करना है या बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, हमें इसको हल्का क्रंची ही रहने देना है। तो 1.5 से 2 मिनट इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही ऐसे चलाते हुए मैं फ्राई कर लूंगी। जब ये हल्का सा ऐसे फ्राई हो जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ गाजर। ये एक गाजर को मैंने जो है फाइन चॉप कर लिया है। अब इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और इनको भी मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, और इसको भी इसके साथ ऐसे चलाते हुए 2-3 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे बिल्कुल भी ओवर कुक या ज्यादा नहीं पकाना है, हमें इसको हल्का क्रंची ही रखना है, तभी ये अच्छे लगते हैं खाने में। तो अब सॉस डालने के लिए अब मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी जब हम इसमें सारी सॉसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच इतना सेजवान चटनी, इसको डाल के मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच विनेगर यानी सिरका, साथ में मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच जितनी रेड चिली सॉस, और ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें डालूंगी 2 चम्मच इतना ये सोया सॉस, और इसको भी इस तरह अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे बॉल्स में भी नमक है और सारी जितनी भी हमने इसमें सॉसेज यूज की हैं सब में जो है नमक होता ही है, तो इसलिए आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। लास्ट में इसमें डालूंगी मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जितना ये टमाटो केचप, और इसको भी इससे अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, क्योंकि मैं आज मंचूरियन ग्रेवी बना रही हूँ, इसलिए मैं को इसमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए, इसलिए पानी का यूज करूंगी। अगर आप चाहें तो आप ड्राई मंचूरियन आपको खाना तो आप पानी का यूज ना करके आप डायरेक्ट इसमें बॉल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जितना पानी डाल दिया है इसमें। अब ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच इतना कॉर्नफ्लोर, ये बहुत जरूरी है डालना अगर आप मंचूरियन ग्रेवी बना रहे हैं तो। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसका एक लिक्विड बैटर जो है रेडी कर लूंगी। तो ये ऐसे ही हमें लिक्विड बैटर जो है इसका रेडी कर लिया है। अब मैं इसको डाल दूंगी अपनी इस ग्रेवी में, इससे आपकी ग्रेवी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से थिक होगी और बहुत अच्छी बनेगी, तो इसलिए इसको जरूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये आप देखिए कि ग्रेवी जो है बिल्कुल अच्छे से थिक हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये अब मेरे जो हमने बॉल्स रेडी किए थे वो, और इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लास्ट में इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ हरा प्याज यानी स्प्रिंग अनियन। बस अब हमारे ये जो मंचूरियन ग्रेवी है बिल्कुल बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम गैस का फ्लेम अपना ऑफ कर देंगे। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने मंचूरियन को बाउल में सर्व कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन यानी हरे प्याज के साथ थोड़ा गार्निश करूंगी, और थोड़ा सा इसमें ये सफेद तिल डालूंगी, ये ऑप्शनल है डालना, बस मैं ये इसको इस साथ थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ। तो ये हमारा मंचूरियन ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर।